क्या, ये टेंडर है, इसको करते हैं पार्टिसिपेटेड। अब इसमें शॉर्ट टर्म टैक्सी के लिए 80 किलोमीटर इंटू 10 आवर्स 16 टोटल उसको क्वांटिटी में चाहिए, है ना। इसको हैचबैक ही चाहिए, हैचबैक डिजायर स्विफ्ट चाहिए, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा मारुति डिजायर सुजुकी स्विफ्ट। हमने स्विफ्ट डाल दिया। आपके पास ये छोड़ के अल्टरनेट कोई गाड़ी है तो भी आप डाल सकते हो, पर उनको इसमें साफ लिखा है कि मुझे डिजायर स्विफ्ट चाहिए। लोकल लोकल 25,000 किलोमीटर के लिए 25, उनको नॉन एसी में चाहिए और आप एसी में ऑफर कर रहे हो तो आप इसको नॉन एसी कर दो। प्लेन में चाहिए उनको तो प्लेन, डीजल का चाहिए उसको तो डीजल। ये हमने ऑटोमेटिकली इसमें बदल दिया। बदलने के बाद इसको करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो ऑटोमेटिकली हम बदल सकते हैं सिलेक्ट और पैरामीटर, हमने कुछ छोड़ दिया देखो ये नहीं स्विफ्ट चाहिए, ओके तो हम इसको करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अभी यहाँ पे हम रेट कोट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जब रेट कोट करेंगे तो अपने अकॉर्डिंगली रेट कोट करेंगे, क्योंकि ये मैन पावर नहीं है, हम टैक्सी हायरिंग पे दे रहे हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली 80 किलोमीटर के लिए मुझे एक का क्या कॉस्टिंग पड़ेगा वो हम यहाँ पे रेट कोट कर सकते हैं। तो मुझे एक का जो पर डे का जो मेरा कॉस्ट होगा वो मान लीजिए 3,500 रुपया होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंगली एस्टिमेट देखो मुझे बता देगा 3,500 इंटू 16 नंबर व्हीकल टोटल 36 दिन के लिए, तो कितना हो गया 3,500 इंटू 16 इंटू 36 डेज, तो ये हो गया मेरा इतना अमाउंट, मतलब 20,16,000 ये अमाउंट मुझे टोटल मिलने वाला है। हम इसको करते हैं प्रोसीड, अब इनक्रिप्ट एंड सेव, ओके। इसमें भी सेम डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेगा, देखो इसमें डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, कैसे पता चलेगा ये मैंडेटरी कि नहीं, ये टेंडर में बता देगा, हमने टेंडर पढ़ा नहीं इसलिए हमने को पता नहीं चला, नहीं तो टेंडर के अकॉर्डिंगली मुझे पता चल जाता था। तो ये शॉर्ट टर्म में है, एक्सपीरियंस लगेगा इस टेंडर को कितना का, 5-2 साल का मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीडर का टर्नओवर है ना, टर्नओवर कितना चाहिए 5 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। एटीसी ये तो मैंने आपको क्लियर किया है, ये छोड़ के एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप वो दे सकते हैं और बाकी कुछ नहीं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स 1, 2, 3, 4 इतना ही इसने डाला है। तो आपको इसमें जैसे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जैसे जीएसटी है, कार का आरसी बुक है, इंश्योरेंस है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप सभी चीजें अपलोड कर सकते हो जो गाड़ी आप ऑफर कर रहे हो, मतलब गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी एक एक जगह पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट, एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सपीरियंस आएगा, 10 MB के अंदर फाइल अपलोड करना है, साइज भी दिया हुआ है। टर्नओवर इसमें आए ITR, ATC में आपका ATC आएगा, डॉक्यूमेंट्स 1 यहाँ पे एडिशनल है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप बाकी की चीजें दे सकते हो जो भी एडिशनल है आपके पास, उद्यम है, GST है या फिर और भी कोई लाइसेंस वगैरह है, कोई क्वालिटी के रिगार्डिंग कोई भी सर्टिफिकेशंस वगैरह है, गाड़ी का RC बुक, इंश्योरेंस वगैरह जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो हर जगह पे एक एक करके अपलोड कर दो। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो एक ब्लैंक पेज बनाओ, उसमें एनए करो, PDF बनाओ और अपलोड मार दो, या इसी में से कोई डॉक्यूमेंट ATC को ही हर जगह पे अपलोड कर देंगे तो भी चलेगा, जो ATC में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो वही वाला अपलोड कर दो। कंप्लायंस विथ मोटर व्हीकल एक्ट, देखो यहाँ पे एक नया आपको दे दिया है, तो आपको जब कंप्लायंस विथ मोटर व्हीकल एक्ट दे दिया तो इसमें ही सब आपका डॉक्यूमेंट्स आएगा मोटर व्हीकल का। क्या क्या आएगा इसमें, RC बुक, इंश्योरेंस कॉपी, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह जितना भी है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। बाकी ये सब आपको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनरशिप ऑफ व्हीकल विद सर्विस प्रोवाइडर, आप व्हीकल के ओनर हो तो आपका RC बुक से भी पता चल जाएगा, जो आप व्हीकल के ओनर हो RC बुक डाल सकते हैं। ड्राइवर प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर ड्राइवर ऑन पेरोल, आपका जो ड्राइवर है वो पेरोल पे है, उसका कोई वेजेस सीट है तो दे सकते हो। आप ड्राइवर का यदि PF वगैरह या SIC वगैरह कट करते हो तो उसका आप स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे ये पता चल जाए ये पेरोल में है ना। या सैलरी का स्टेटमेंट, आप जो सैलरी क्रेडिट करते हो बैंक में उसका स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हो, हर महीना सैलरी क्रेडिट होता है उनके, तो ऐसे जो भी प्रूफ है आप वो आप प्रोवाइड करेंगे। सेम टाइप का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क ऑर्डर सेम वही चीज को रिपीट कर रहा है, यहाँ पे देखो ये तीनों चीज को वही चीजों को रिपीट कर रहा है, सिर्फ अलग अलग लैंग्वेज में कर रहा है। गवर्नमेंट एजेंसी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अब यहाँ पे जेम पे तो अपने को पता ही है कि गवर्नमेंट का ही काम चलता है। ऑफिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, मैंने सेम चीजें पहले वाला ही जो टेंडर था उसका ही ये पॉइंट रिपीट हुआ,
कि ज्योग्राफिकल जो भी प्रेजेंस है मतलब उस स्टेट में आपका ऑफिस होना चाहिए। नहीं भी अभी ऑफिस है तो भी आप टेंडर भर सकते हो और बाद में टेंडर मिलने के बाद वहां पे ऑफिस खोल के और उसका कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। मान लो ऑफिस आपने रेंट पे लिया तो रेंट का जो डॉक्यूमेंट होगा वो दे सकते हो, लीज पे लिया तो लीज का डॉक्यूमेंट दे सकते हो, खुद का है तो खुद का दे सकते हो, जैसा भी है। और ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक सीएसए लेटर मिल जाता है, सीएसए एक सर्टिफिकेट आप ले सकते हो जो आपके पास 3 साल का आईटीआर का, और वो यहाँ पे आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। फिलहाल जो अपने को मैंडेटरी है वो ऊपर का है, बाकी की चीज जो ऑप्शनल है, पर टेंडर मिला तो ये सभी देना पड़ेगा। है तो अभी अपलोड कर दो, नहीं तो आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। अभी देखो ये टेंडर में ईएमडी था, है ना, तो ईएमडी का हम लोग एग्जम्पशन ले सकते हैं क्योंकि ये सर्विस का टेंडर है। ये टेंडर में देखो ईएमडी है, ईएमडी कितना है टोटल 30,000 का ना, 30,000 का ईएमडी है, तो अपने को ईएमडी भरना पड़ेगा। यदि ईएमडी भरते हैं तो कैसे भरते हैं, ये प्रोडक्ट के केस में भी सेम रहेगा, सर्विसेज में भी सेम रहेगा। यदि ये टेंडर प्रोडक्ट का होता और उसमें ईएमडी होता तो यस का ऑप्शन करने को ही नहीं मिलता। क्यों यस नहीं कर सकते थे, यस हम तभी कर सकते थे प्रोडक्ट के टेंडर में जब हम प्रोडक्ट को ऑफर करते थे एज ए ओएम, तो मुझे यहाँ पे यस करने को मिलता था। मैं यदि यहाँ पे रीसेलर के प्रोडक्ट का टेंडर होता और हम रीसेलर करके टेंडर भर रहे होते तो मुझे यहाँ पे यस का ऑप्शन मेरे लिए डिजेबल होता था, क्योंकि एमएसएमई के बेस पे रीसेलर को एमएसएमई का कोई ईएमडी का बेनिफिट नहीं मिलता है, पर सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है। इसलिए यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर में यस का ऑप्शन ओपन है। पहले मैं नो करके दिखाता हूँ, ईएमडी भरने का तरीका दिखाता हूँ, और फिर मैं यस करके एग्जम्पशन करके आपको टेंडर को आगे लेके जाऊंगा। सेम नो, तो मुझे ईएमडी यहाँ पे ईएमडी भरना पड़ेगा, कितने का, 30,000 का। उसके लिए यहाँ पे ईएमडी का एक ड्राफ्ट कॉपी देखो डाउनलोड होगा, इनिशिएट, अब यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो ईएमडी का एक ड्राफ्ट कॉपी डाउनलोड हो गया, ये आपको बैंक में लेके जाना है और जिसके नाम से उनके नाम से ये बीजी निकालना है। ये बीजी की वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो यहाँ पे इस बीजी की वैलिडिटी है मतलब इसको टूटेगा नहीं, 7/12/2022 तक के लिए आपका ये बीजी रहेगा, मतलब ईएमडी 7/12/2022 तक ये पैसा आप तोड़ नहीं सकते, उसके बाद ये रिलीज हो जाएगा 7 दिसंबर तक, है ना। तो मैंने इसको मान लो बैंक में लेके गया और इसका एक बैंक गारंटी बना लिया इसके अकॉर्डिंगली, और फिर मैं ये डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे ये अपलोड कर दूंगा बीजी को, सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अभी यहाँ पे डिटेल्स, कौन सा बैंक ने आपको इशू किया, तो मुझे मान लो एचडीएफसी ने इशू किया, ब्रांच का नाम कोथरूड, एफसी कोड ठीक है, बैंक मैनेजर का नाम जिसने इशू किया उनका नाम मान लो ओके, उनका ईमेल आईडी उनको कंफर्म करने के लिए वो लोग मांगते, बैंक गारंटी का नंबर, जब आप यहाँ पे बैंक गारंटी निकालोगे तो उसको आपको एक नंबर मिलता है, जैसे डीडी का नंबर मिलता है ऐसे बैंक गारंटी का भी आपको नंबर मिलेगा, तो नंबर आपको डालना है, ये नंबर बिड नंबर, किस टेंडर के अगेंस्ट में टेंडर भर रहे हो, तो यहाँ पे इसका बिड नंबर भी लिखा रहता है, ये बिड नंबर आपको लेना है, ये बिड नंबर यहाँ पे डाल देना, ये टेंडर के रिगार्डिंग भर रहे हैं। ईएमडी अमाउंट कितना है, 30,000 डालना है, इससे कम का आप बिड नहीं बना सकते। वैलिडिटी कब तक है, कब तक के वैलिडिटी का चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको वैलिडिटी का डेट लिखा रहेगा, देखो कब तक है, 7/12/2022, ये आपको डालना है 7/12/2022, 7 दिसंबर 2022, ये हमने डाल के इसको सेव कर दिया, तो मेरा ईएमडी का काम हो गया। अब इसको वेरीफाई विथ ओटीपी करके हम लोग वेरीफाई करके टेंडर भर सकते हैं। ये हो गया ईएमडी भरने का। यदि हमको एग्जम्पशन लेना है तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे फिर से, और यहाँ पे हम लोग डाल दिया है, यहाँ पे ईएमडी को करेंगे यस एग्जम्पशन, यहाँ पे एमएसएमई, इतने सारे चीजों पे आप एग्जम्पशन ले सकते हो इस टेंडर में। तो एमएसएमई पे है, एमएसएमई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएसएमई कैटेगरी, मुझे एलिजिबल नहीं दे रहा है, शायद मेरे पास जो उद्यम है वो यहाँ पे अपडेट नहीं है मेरे अकाउंट पे,
इसलिए यहाँ पे नहीं दे रहा है, नहीं तो यहाँ पे मुझे आ जाता था, मेरे अकाउंट में उद्यम अपडेट नहीं है। तो चलो एक दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो मुझे यहाँ पे उद्यम का आ जाता था ऑप्शन। इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे एमडी मेरा देखो क्या हो गया, एग्जम्प्टेड हो गया। इसको करते हैं सेव और इसको वेरीफाई भी तो ओटीपी कर देंगे, तो मेरा ये टेंडर एग्जम्प्टेड बोल के सेव हो जाएगा, मतलब एमडी भरना नहीं पड़ेगा उद्यम के बेस पे, मुझे ये टेंडर भरने में एमडी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे लिए बेनिफिट हो जाता है। पर यही यदि प्रोडक्ट का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का होता और आप एज ए रीसेलर टेंडर भरते तो आपको एग्जम्पशन ऑप्शंस नहीं आता था, आप एग्जम्प्ट नहीं कर सकते थे। हाँ एज ए आप ओएम यदि प्रोडक्ट में टेंडर भर रहे होते थे तो आपको एमडी एग्जम्पशन जरूर मिलता था। क्लियर है, कोई डाउट्स है तो बताओ।